ज्ञानवापी को लेकर पिछले कुछ दिनों से कोर्ट में सुनवाई जारी थी। इसको लेकर कल बड़ा फैसला आया था। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही एक बड़ी खबर आ गई। दरअसल ज्ञानवापी के व्यास तहखाना में पूजा पाठ कराने के जिला अधिकारी के आदेश के बाबत आला अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में जिला अधिकारी, DIG और विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद देर रात ज्ञानवापी परिसर से सारी बैरिकेडिंग हटा दी गई, जिसके बाद ज्ञानवापी परिसर में आखिरकार 31 साल के बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई। इससे पहले नवंबर 1993 तक यहां पूजा पाठ किया जाता था। ये पूरा मामला है क्या, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने की मांग से। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार उस तहखाने में पूजा पाठ करता था। तत्कालीन सरकार की ओर से इसे बंद करा दिया गया। 17 जनवरी को कोर्ट के आदेश पर व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया था और इसकी सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी वाराणसी जिला अधिकारी को दी गई थी। कल रात से पूजा शुरू होने के बाद से आज सुबह सुबह काफी संख्या में लोग पूजा के लिए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पहुंचे हैं। इस मामले में DM ने क्या कहा, सुनिए। कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर हम सब पे लागू है और उसके अपील और अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए किस तरीके की तैयारी है? पूरा कानून व्यवस्था तो बरकरार रहेगी। अब यहाँ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से रोज नियमित रूप से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। एक तरफ हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का भी दावा किया है, वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जताई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मुस्लिम पक्ष ने SI के सर्वे को भी नकार दिया था।